उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद संभालते ही महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। हर गली नुक्कड़ पर लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले मंचलों की अब खैर नहीं। बिजनौर पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों का गठन करते हुए शहर के स्कूलों और चौराहों पर स्क्वाड के सदस्यों को तैनात कर दिया है। इन एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों के युवा उम्र के सिपाहियों और महिला सिपाहियों को लगाया गया है। शहर के हर स्कूल कॉलेज खुद बिजनौर क्षेत्राधिकारी इन टीमों को लीड कर रहे हैं। पुलिस की ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था देखकर लड़कियों ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि अब वह बेझिझक घर से निकल सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवारा लड़के सुधर जाएंगे और यह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर इसी तरह सरकार कदम उठाती रहेगी तो लड़कियां आगे बढ़ने का मौका भी लेगी। बिजनौर क्षेत्राधिकारी असित कुमार श्रीवास्तव ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि एक कॉलेज के बाहर से 3 मंचलों को पकड़ा गया है। आसमा, जब से एंटी रोमियो ग्रुप बना है कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? इससे पहले कैसा लगता था? उससे पहले हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, एंटी रोमियो ग्रुप बना है, तब से ना लड़कों की कतारें लंबी लंबी देखने को भी नहीं मिलती। बहुत सेफ समझते हैं अपने आप को, अब कोई डर नहीं रहता जाने आने में। पहले भाई को बुलाना पड़ता था घर पर आने के लिए, क्योंकि डर तो लगता ही था, अब भी ऐसा कोई डर नहीं। जब से एंटी रोमियो ग्रुप आया है मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं हम सब लोग। हम गर्ल्स अब अकेले कहीं भी जा सकते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम लोग अकेले जाते हैं। इससे पहले हम लोग पापा या भाई के साथ जाते थे, पहले हम लोगों को इतना सेफ महसूस नहीं होता था, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते थे अपने आप को। अदरवाइज़ अब जब से हम एंटी रोमियो ग्रुप के बारे में सुना है और देखा है कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं और हम कहीं भी आ जा सकते हैं अकेले।